प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन फाओरी 75वीं वर्षगांठ माथे जारी करिया 75 रुपया रो स्मारक सिक्को। हाल ही में विकसित 8 फसलारी 17 जीव संवर्धित प्रजातियां ने भी राष्ट्र ने करिया समर्पित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया महाको प्रयास राजस्थान बने सुशासन रो मॉडल। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद री बैठक ने करिया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव 2020 माए सगली 6 नगर निगम माए प्रचंड बहुमत रे साथे दर्ज करेलिया अपनी जीत। प्रदेश रा 6 नगर निगम माए नामांकन री प्रक्रिया जारी। जयपुर जिला माए 25 केंद्र माथे नामांकन री करी की है व्यवस्था। राजस्थान समेत देश में कोरोना रा 32 मामला वाला 5 राज्य खातर केंद्र उच्च स्तरीय दल करिया गठित। संक्रमण रा मामला रोकवा खातर या राज्य ने दी जावेली खास मदद। नमस्कार, राजस्थानी समाचार माए आपनो घणो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे और अब खबरा विगतवार। आज विश्व खाद्य दिवस छे। दुनिया भर माए लोगों ने संतुलित आहार मुहैया कराबा और कुपोषण रा खात्मा खातर यो दिन मनायो जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और खाद्य संगठन फाओरी 75वीं वर्षगांठ रे मौके 75 रुपया रो स्मारक सिक्को जारी करिया। इनरे साथ ही प्रधानमंत्री हाल ही माए विकसित 8 फसलारी 17 जीव संवर्धित किस्मा भी राष्ट्र ने समर्पित करी है। हम सब प्रधानमंत्री जी के सुविचारों को सुनने के लिए अभिलाषी हैं। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 नई जैव संवर्धित किस्मों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया है कि कोविड 19 महामारी री विषम परिस्थितियां माए भी प्रदेश रा सामाजिक और आर्थिक विकास ने बनायो राखनो चुनौती है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद री बैठक ने संबोधित करता थका। कया के बीतिया कुछ टेम माए आर्थिक मंदी, नोटबंदी, GST संग्रहण माए कमी और कोरोना महामारी सु उपजा आर्थिक संकट माने अवसर दियो है कि सतत विकास खातर मैं आर्थिक सुधार करबारे साथ ही गवर्नेंस रा मॉडल माए भी बदलाव लावे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कया है कि देश माए किसाना ने आत्मनिर्भर बनाबा खातर जो बिल सदन माए पास हुयो है उनसो आबा वाला दिना माए पूरो देश रो किसान आत्मनिर्भर बनेलो और वना इन कानून सो लाभ मिलेलो। जोधपुर प्रवास रे दौरान मीडिया सो बात करता थका केंद्रीय मंत्री कया कि नुवा कृषि बिल रा लागू होबारे पाछे किसान आपरी उपज मनचाही दरा माथे बेच सकेला, इनसो किसान री आर्थिक उन्नति होवेली। पूरे देश के अंदर जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बिल सदन के अंदर पारित हुए हैं, निश्चित रूप से इन बिलों से आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर होगा और किसान को इन बिलों से लाभ निश्चित रूप से होगा और प्रदेश पूरे देश के अंदर इसकी सराहना की जा रही है। सारे किसान देश भर से धन्यवाद प्रस्ताव भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। केंद्रीय मंत्री और जयपुर शहर निकाय चुनाव समन्वयक अर्जुन राम मेघवाल कया है कि नगर निगम चुनाव 2020 माए भारतीय जनता पार्टी सगली 6 नगर निगम माए प्रचंड बहुमत रे साथे जीत दर्ज कर आपरो बोर्ड बनावली। भाजपा मुख्यालय माए पत्रकारा सु बातचीत करता थका वणा कया कि कांग्रेस एक रणनीति रे तेत दो दो निगमा रो गठन करी है। मुख्यमंत्री ने डर छो के एक एक नगर निगमा होबा सु जो जयपुर जोधपुर और कोटा माए महाको महापौर नी बन सके तो वना दो दो नगर निगम बना दिया और वाडा रो परिसीमन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी सभी 6 नगर निगमों में अपना बोर्ड बनाने में सफल होगी। कॉलोनी की कॉलोनी तोड़ दिए, कॉलोनी किसी एक नगर निगम में तो रखते, वार्ड तोड़ दिए, कोई परिसमन में जो पैरामीटर इनका है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जारी किया या परिसीमन आयोग ने जारी किया या परिसीमन की जो शर्तें हैं, कोई डिलिमिटेशन करते समय राज्य सरकारों को उन शर्तों का पालन करना चाहिए, उन सब शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया। राजस्थान दलित अत्याचारों में और महिला उत्पीड़न में नंबर एक राज्य हो गया है। ये हमारे सबके लिए शर्म जैसा एक विषय है क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो दो भागों में बंटी हुई है। हाथरस की घटना के साथ 12 की घटना का इक्वेट करते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 12 में जो लड़कियां थी वो लड़कों के साथ स्वयं गई। ये कितना शर्मनाक वाक्य है जिसकी पूरे मीडिया में आलोचना। जयपुर माए निकाय चुनाव खातर नामांकन री प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट समेत जिला माए 25 केंद्र माथे नामांकन री व्यवस्था करी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा बताया कि प्रदेश राज 6 नगर निगम खातर आबाली 29 अक्टूबर और 1 नवंबर ने होबा वाला चुनाव खातर नामांकन पत्र भरबारा दूसरा दिन 6 उम्मीदवार 6 नामांकन पत्र दाखिल करिया। देश माए कोरोना रा बत्ता मामला वाला 5 राज्य खातर केंद्र उच्च स्तरीय दल गठित करी है। राजस्थान, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल माए कोविड 19 रा लगातार बढ़ रहा मामला ने देखता थका हरेक दल माए एक संयुक्त सचिव स्तर रो अधिकारी और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ री नियुक्ति करी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमें भेजी हैं। टीम नियंत्रण, निगरानी, परीक्षण, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों और सकारात्मक मामलों की क्लिनिकल मैनेजमेंट को मजबूत करने के साथ ही साथ सही समय पर जांच की दिशा में राज्य के प्रयासों को गति देंगी और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इन राज्यों के कोरोना के मामले में यहां वृद्धि देखी गई है। हर उच्च स्तरीय टीम में एक संयुक्त सचिव और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहेगा जो राज्य द्वारा अपनाई जा रही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं और संक्रमण से बचाव के साथ साथ प्रबंधन योजनाओं पर नजर रखेंगे।
प्रदेश में कोरोना रा 2039 नवा मामला सामने आया है, यानी मिलार कोरोना संक्रमिता रो आंकड़ो 1,67,279 माथे पुग गयो है। दूजी कानी प्रदेश में कोरोना सो एक ही दिन में 2,149 मरीज ठीक हो गया है। वाने मिलार प्रदेश में अबार ताई 1,43,984 मरीज इन बीमारी सो स्वस्थ हो चुकया है। वटे ही 14 और कोरोना मरीजा री मौत रे पाछे इन महामारी सुमरबा वाला री तादाद 1,708 वेगी है। प्रदेश माए अब 21,587 एक्टिव केस मौजूद है। चिकित्सा विभाग कानी सु जारी आंकड़ा रे मुजब सबसू बत्ता 396 संक्रमित मरीज जयपुर जिला माए सामे आया है। वटे ही जोधपुर माए 313, बीकानेर माए 298, अलवर माए 168, अजमेर माए 100, चूरू और उदयपुर माए 78, सीकर माए 60, श्रीगंगानगर माए 58, कोटा माए 57, नागौर माए 41, दौसा माए 38, जालौर और भरतपुर माए 35, डूंगरपुर माए 31, पाली माए 30, चित्तौड़गढ़ माए 29, बूंदी और जैसलमेर माए 22, धौलपुर माए 18, भीलवाड़ा माए 14, झुंझुनू और बाड़मेर माए 10, लोगा माए कोविड-19 री पुष्टि हुई है। या दिना सरकार कोरोना सु बचाव खातर महाअभियान चला राखी है। इन रेतेत जगह जगह मास्क वितरण करया जा रिया है। नो मास्क नो एंट्री मुहिम रेतेत दौसा रा न्यायालय परिसर में मास्क वितरण कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। नगर परिषद कानीसु आयोजित इन कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र मीणा, सूचना जनसंपर्क विभाग रा सहायक निदेशक रामजीलाल मीणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रे सचिव रेखा वधवा समेत कई अधिकारी मौजूद रिया। इन दौरान कोरोना जागरूकता पोस्टर विमोचन भी करियो गयो। कोरोना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और सभी को मास्क बांटे जाना, उसी के तहत आज मास्क के वितरण का कार्यक्रम रखा गया और नगर परिषद की ओर से मास्क उपलब्ध कराएगा और गांधी दर्शन समिति की तरफ से मास्क पूरे न्यायालय परिसर में वितरण किए जा रहे हैं। आज झुंझुनू माए निजी अस्पताल और जांच लैब सरकार का निशु तय राशि माथे ही मरीजा री कोरोना संक्रमण री जांच करेला। मरीजा रा हित माए यो फैसलो जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग का निशु एक बैठक माए लियो गयो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान री अध्यक्षता माए आयोजित बैठक माए सगला निजी चिकित्सालय और निजी लैब रा प्रतिनिधिया ने भी आमंत्रित करियो गयो हो। इन माए साफ करियो गयो कि निर्देशा रा अनुपालना ने करबा वाला अस्पताल और लैब रे विरुद्ध कार्रवाई करी जावेली। कलेक्टर बताया कि निजी अस्पताल माए भर्ती प्रसूतावा और सर्जरी रा मरीज री बीडी के अस्पताल माए कोरोना जांच निशुल्क करी जावेली। चिकित्सक और चिकित्सालयों के जो प्रबंधक हैं, मालिक हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें ये आग्रह किया गया था कि कोरोना से बचाव करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग दें, मास्कों का वितरण करें और बाकायदा रैली और दूसरे कामों में हमारा सहयोग दें। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस दिशा में वो प्रयास करेंगे। भरतपुर जिला रा बयाना उपखंड रा गांव अड्डा माए काल होबा वाली गुर्जर महापंचायत ने ले जिला प्रशासन अलर्ट वे गयो है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर इलाका रो दौरो कर जायजो लियो। वनाधिकारिया और पुलिस ने अलर्ट रहबा रा निर्देश जारी करिया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला रा पुत्र विजय बैंसला कया के सरकार रे साथे फरवरी माए एक समझौतो वयो हो जिने सरकार ने पूरो करनो चाहिजे। समिति के जो संयोजक है कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला, उन्होंने घोषणा की थी कि गुर्जर समाज की महापंचायत मलारना डूंगर स्वाई माधोपुर नहीं होकर के बयाना में जो पिल्लूपुरा के पास गांव है अड्डा, उसमें 17 अक्टूबर को संपन्न होगी। उसी के मद्देनज़र आज मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में और बयाना का पूरा प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ अड्डा गांव और आसपास की पूरी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार इस महापंचायत का क्या रूप रहेगा। सरकार से जो मांगे हमारी हैं वो ये हैं कि जो समाज का समझौता किया था, समाज के साथ समझौता किया था फरवरी में, उसको पूर्ण करें, प्रक्रियाधीन भर्तियां दें, बैकलॉग भर्तियां दें, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बैकलॉग लिख करके दिया है।
जयपुर संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा एक नवाचार शुरू करता थका जनता री सुगम सुनवाई खातर व्हाट्सएप सुनवाई और समाधान सेवा शुरू करी है। सेवा रे जरिए कोरोना संक्रमित व्यक्तिया ने सुनवाई री सुविधा मिले ली। जयपुर संभाग रा अलवर जयपुर झुंझुनू और सीकर रा आमजन इन ऐप माथे आपरी समस्या बता सकेला। राजस्थान पुलिस कानी सूर शुरू करिया गया आवाज अभियान रितेत दोसा माए महिलावा ने वना रा अधिकारा रे प्रति जागरूक करियो जारियो है। साथ ही वना ने कानून री जानकारी भी दी जारी है। इन अभियान रो उद्देश्य महिला अपराधा माए कमिलाबू युवावा और बालका माए महिला सुरक्षा और सम्मान रो भाव जागृत करनो है। ऑपरेशन आवाज खातर दोसा माए कई कार्यक्रम शुरू करिया गया। दोसा डीएसपी हवा सिंह और कोतवाल सुगन सिंह राजपूत बजरंग मैदान माए आयोजित कार्यक्रम माए महिलावा ने वनारा अधिकारा रे प्रति जागरूक करिया। खास करके हमारे समाज में महिलाएं और बालिकाएं छोटे बच्चे इन लोगों को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में उनके क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनको न्याय की रेमेडीज मिली हुई हैं, क्या क्या उन कानून के तहत उनको सुरक्षाएं मिली हुई हैं, क्या क्या वो अपने अधिकार जता सकते हैं, पुलिस से उनको क्या क्या मिल सकता है, न्याय की कहां कहां क्या क्या उनको धाराएं हैं, सब चीज़ें इनके बारे में जागरूकता करना मेन उद्देश्य है। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और नारी सम्मान के लिए ये प्रोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने और महिला अत्याचारों पर कमी लाने, उनकी रोकथाम करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को ही मोटिवेशन किया जा रहा है कि भाई महिलाओं के प्रति, नारी के प्रति जो सम्मान की भावना रखें और उनके साथ होने वाले अत्याचारों को कैसे रोका जाए और उसमें कैसे सहयोग हो, इसी उस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य। हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी, ये सर ने आके हमें बहुत गाइड किया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचाएंगे जिससे कि स्थिति में सुधार आए। ये माहौल यहाँ पर अब बहुत ख़राब चल रहा है। अब इस माहौल को सही करने के लिए मतलब जो ये जागरूकता मतलब ये कार्यक्रम शुरू किया है इन लोगों ने, तो ये होना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि सब लेडीजों को मतलब सब औरतों को इस चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए और सबको ही जगाना चाहिए कि बच्चियाँ अपने घर से बाहर निकलती हैं तो उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। झुंझुनू माए ऑपरेशन आवाज रितेत जिला कलेक्टर आज जागरूकता रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। जिला कलेक्टर बताया कि एक महीना ताई चालबा वाला अभियान रितेत महिलावा और बालिकावा ने निडर और साहसी बनावा ने लेर कई कार्यक्रम आयोजित करवा करिया जावेला। ये बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार दुराचार होता है उससे लड़ने के लिए एक अभियान झुंझुनू जिले में शुरू किया गया था। उसकी आगाज पूरे प्रदेश में चल रही है और उस अभियान को पुनः जीवित पुनः आगे बढ़ाने के लिए आज आवाज़ नाम से एक अभियान संचालन किया जा रहा है। ये पूरे एक महीने चलेगा और हर ज़िले के हर गाँव कस्बे हर शहर में इस अभियान का संचालन किया जाएगा और आपके माध्यम से सभी लड़कियां, महिलाएं और बच्चों से मैं ये आग्रह करना चाह रहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह उनके साथ हैं। अगर कहीं भी कोई भी अन घटना होती है, इस तरह की घटना होती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो पुलिस को प्रशासनिक अधिकारियों को बताएं, हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद पूरी करेंगे। लेकिन खुद को धैर्य और साहस रखना है और अपने साथ अगर किसी तरह की कोई घटना बात होती है तो उसको निर्डर होकर निसंकोच होकर पुलिस और प्रशासन को बताना है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक महोदय ने पूरे राजस्थान में दिनांक 13 अक्टूबर 2020 से 12 नवंबर 2020 तक एक महीने के लिए ऑपरेशन आवाज की घोषणा की है और उसी ऑपरेशन आवाज के तहत आज झुंझुनू जिले में इस कार्यक्रम का आगाज राजस्थान महिला महाविद्यालय में किया गया है। यहाँ की महिलाओं को जो नर्सिंग कर रही है बीएससी नर्सिंग, उनसे हमने रूबरू होकर के उनसे बात की है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया है और पूरे एक महीने तक झुंझुनू जिले की सभी महिलाओं को, बच्चियों को और सभी लड़कों को, सभी व्यक्तियों को हम जागृत करेंगे कि किस तरह हमें महिलाओं की सुरक्षा करनी है, उनमें सम्मान की भावना जागृत करनी है और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध किस तरह रुके, उस सब के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इसके लिए विभिन्न जो कानूनी प्रावधान है
उसकी जानकारी महिलाओं को दी जाएगी, सभी व्यक्तियों को दी जाएगी और उनको जागृत किया जाएगा, चाहे वो उनके बैड टच या गुड टच किसी के भी बारे में हो। ठीक है, कुछ भी बोल देता है कोई लड़का, कोई जेंट्स, किसी भी महिला, बच्ची, वृद्ध, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, उसको कोई भी दिक्कत होती है या उसकी फैमिली में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से अब्यूज्ड हो रही है, इसको लेके वो कंप्लेंट कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाके। ठीक है, उसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसका नाम कहीं आ जाएगा या उसका नाम हाईलाइट हो जाएगा। वो कंप्लेंट कर रही है किसी की भी अगेंस्ट, इवन उसका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कंप्लेंट कर सकती है किसी के अगेंस्ट, FIR फाइल कर सकती है। उसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस प्रशासन के पास पहुँचेगी और बाकायदा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये क्या है, पुलिस प्रशासन के द्वारा महिलाओं को एक आश्वासन करने का एक भरसक प्रयास किया जा रहा है, आश्वासन ही नहीं है उनका, उनको ये पूर्ण विश्वास दिलाया जा रहा है कि आज के बाद महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा या उनको कुछ गलत सहना नहीं पड़ेगा। इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार महिलाओं के साथ पूरी तरह से खड़ी है। अजमेर रा शिक्षा मनोविज्ञानी डॉक्टर विनोद शर्मा अजमेर विधिक सेवा केंद्र के जरिए गुहार लगाई है कि विद्यार्थिया कानी आत्महत्या रा केस बढ़ता जा रहा है, यानी रोकबा रो प्रयास करियो जानो चाहिए। शर्मा रो मानना है कि देश भर माए प्रभाव वाला बच्चा आत्महत्या कर रहा है और नई शिक्षा नीति रा क्रियान्वयन माए शिक्षा मनोविज्ञान ने इस्तेमाल करनो जरूरी है। वना उल्लेखित करिया है कि देश भर माए हर बरस लगभग 9,000 सुबत्ता छात्र मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर रहा है। सब कुछ जब मैंने कंपाइल किया तो पता लगा कि देश में हर एक घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। लगभग हर साल 9,000 से 10,000 के बीच बच्चे सुसाइड करते हैं इस क्वांटिटी में, और ये मेरा पेन बना। मुझे लगा इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए और मुझे पता चला कि सबसे बड़ा कारण है भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन का सीधा इस्तेमाल स्कूल्स में ना होना। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अक्सर हमने देखा है कि कोचिंग सेंटर से, कोचिंग इंडस्ट्री आने के बाद से सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़े, तो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं काम करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम बैंक का काम करते हैं तो ऊपर RBI होता है, इंश्योरेंस का काम करते हैं तो IRDA होता है, मेडिकल का काम करते हैं तो उसके ऊपर अपनी गवर्निंग बॉडीज होती है, इवन अगर स्कूल भी खोलते हैं तो CBSE या किसी ना किसी बोर्ड से एफिलेट होना पड़ता है, लेकिन कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। जिंदगी में वो ज्ञान कैसे काम आए और एग्जाम में पूरा याद कैसे आए, और वो जो मिस्टेक्स होती है पूरा याद नहीं आ पाता है, वही मिस्टेक बच्चे को तनाव में ले जाती है, सुसाइड कर लेता है बच्चा। सुसाइड इसी बात का है कि जो तैयारी करके गया है वो वहाँ याद नहीं आई है। करौली जिला स्पेशल पुलिस टीम अवैध नशा रा कारोबार के खिलाफ अभियान चला रहे 133 ग्राम इसमें एक साथ एक व्यक्ति ने गिरफ्तार करी है। इसमें एक बाजार मूल्य 910 लाख रुपया बताया जा रही है। आरोपी झालावाड़ सो इसमें एक खरीद फरोख्त कर स्थानीय लोगा सो संपर्क माए रेवे हो। करौली जिला पुलिस कानी सू लाड़ला 3 महीना माए 2,072 लोगा ने इन अभियान के दौरान गिरफ्तार करियो जा चुके है। जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान जो है पिछले 3.5 माह से चलाया जा रहा है। आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें DSC टीम और थाना कुड़गांव दोनों की टीम द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति चंद्रलाल जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से 133 ग्राम अवैध स्मैक जो है वो जब्त की गई है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय री सेमेस्टर परीक्षा इन महीना री 26 तारीख से शुरू हो वेली। परीक्षा नियंत्रक नरेंद्र चतुर्वेदी बताया कि 3 नवंबर ताई एक पारी माए होबा वाली परीक्षा माए कोरोना गाइडलाइन री पालना सुनिश्चित करी जावेली। परीक्षा रो टेम भी 3 री बजाय 2 घंटा रो करियो गयो है और अंक भी 50 री जगह 30 रखा गया है। कालसु शारदीय नवरात्रा शुरू हो रहा है। इन बार 9 दिन ताई नवरात्रा रेवेला और देवी रा न्यारा न्यारा रूपा री धार्मिक श्रद्धा रे साथे पूजा अर्चना करी जावेली। कोरोना महामारी ने लेर इन बार नवरात्रे माए खास सतर्कता बरती जा रही है। सरकार इन बार नवरात्रि उत्सव डांडिया गरबा जेड़ा कार्यक्रम माथे रोक लगाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी नवरात्रा ने लेर लोगा सो 2 गज री दूरी, मास्क पहनबा और नियमित हाथ धोबा री अपील करी है। आओ अब बात करा आपरी सुरक्षा री। COVID-19 सु बचाव री दिशा माए DD न्यूज कानी सु एक खास मुहिम शुरू करी गई है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरिया अबार मास्क ही वैक्सीन है और क्यों आपनी सुरक्षा खातर जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी COVID-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को
अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। अर बाद आप रे सुरक्षा रे कोविड 19 सु बचाव खातर देश भर माए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव खातर काई है जरूरी कदम। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो। और खबरा रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने भी फॉलो कर सको हो। बुलेटिन रा आखिर माए खास खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन फावरी 75वीं वर्षगांठ माथे जारी करिया 75 रुपया रो स्मारक सिक्को। हाल ही में विकसित 8 फसलारी 17 जीव संवर्धित प्रजातियां ने भी राष्ट्र ने करिया समर्पित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया महाको प्रयास राजस्थान बने सुशासन रो मॉडल। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद री बैठक ने करिया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव 2020 माए सगली 6 नगर निगमा माए प्रचंड बहुमत रे साथे दर्ज करेली आपरी जीत। प्रदेश रा 6 नगर निगमा माए नामांकन री प्रक्रिया जारी। जयपुर जिला माए 25 केंद्र माथे नामांकन री करेगी है व्यवस्था। राजस्थान समेत देश में कोरोना रा बत्ता मामला वाला 5 राज्य खातर केंद्र उच्च स्तरीय दल करिया गठित। संक्रमण रा मामला रोकवा खातर या राज्य ने दी जावेली खास मदद। इन रे साथे ही समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।